टैनग्राम से परिचय। इंट्रोडक्शन टू टैनग्राम्स। इस वीडियो में हम टैनग्राम के बारे में जानेंगे। नमस्ते बच्चों, आइए आज हम मिलते हैं हमारे नए दोस्तों से। ये है बनी और ये है टुक टुक। ये दोनों जंगल में खेल रहे हैं। बनी टुक टुक को चिढ़ाने की सोचता है और उससे कहता है, टुक टुक, पिछली बार तुम दौड़ में मुझसे जीत गए थे। चलो अब देखते हैं तुम कितने होशियार हो। मैं तुम्हें एक पहेली हल करने की चुनौती देता हूँ। मैं चीन से हूँ। मैं वर्ग के आकार का हूँ, जो 7 मानक आकारों से बना है। मेरे उपयोग से आप बिल्ली, जिराफ, पक्षी, नाव, मनुष्य और कई अन्य आकृतियाँ बना सकते हो। तो क्या आप मुझे बता सकते हो कि मैं कौन हूँ? अब टुक टुक सोच रहा है। बच्चों, क्या पहेली को हल करने में टुक टुक की मदद कर सकते हैं? टुक टुक बहुत होशियार है। वो कहता है टैनग्राम। ये सुनकर बनी उससे पूछता है, कैसे? टुक टुक कहता है, बनी देखो, ये एक टैनग्राम है। इसका आविष्कार चीन में टांग राजवंश के दौरान हुआ था। ऐसा माना जाता है कि टैनग्राम ने व्यापारिक जहाजों पर पूरे यूरोप और फिर बाद में पूरी दुनिया की यात्रा की है, इसीलिए इसका नाम टैनग्राम है, जिसमें टैन का अर्थ चीनी यानी चाइनीज है और ग्राम का अर्थ आरेख यानी डायग्राम है। इसलिए टैनग्राम एक चीनी ज्यामिति पहेली यानी चाइनीज जियोमेट्रिकल पजल है। टैनग्राम एक वर्ग यानी स्क्वायर है, जो 7 मानक टुकड़ों में कटा हुआ है। 2 छोटे त्रिभुज यानी ट्रायंगल्स, 1 मध्यम आकार का त्रिभुज, 2 बड़े त्रिभुज, 1 वर्ग और 1 समानांतर चतुर्भुज यानी पैरेललोग्राम या तिर्यक वर्ग यानी रोम्बॉइड, जिसे विभिन्न आकृतियां बनाने के लिए व्यवस्थित किया जा सकता है। इसमें प्रत्येक टुकड़े को टैन कहा जाता है और इस तरह से हम टैनग्राम के इन टुकड़ों को बिल्ली, जिराफ, पक्षी, नाव और मनुष्य बनाने के लिए व्यवस्थित कर सकते हैं। ऐसी 6500 से भी अधिक आकृतियां और चित्र हैं, जिन्हें टैनग्राम के उपयोग से बनाया जा सकता है। लेकिन टैनग्राम से आकृति बनाते समय हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि टुकड़ों का अधिव्यापन यानी ओवरलैप नहीं होना चाहिए और आकृति बनाने के लिए सभी 7 टुकड़ों का उपयोग किया जाना चाहिए। ये सुनकर तुरंत बनी बोला, शानदार टुक टुक, तुम्हारा उत्तर बिल्कुल सही है। तब टुक टुक कहता है, बनी अब मैं तुम्हें एक और रोमांचक बात बताता हूँ। टैनग्राम का उपयोग न केवल एक पहेली के रूप में किया जाता है, बल्कि कहानी बताने के लिए भी किया जाता है। इसके लिए कहानी बताने वाला कहानी के पात्रों के आकार दिखाने के लिए टैनग्राम के टुकड़ों को व्यवस्थित करता है। प्रत्येक नई व्यवस्था कहानी बताने में सहायता करती है। और क्या तुम जानते हो कि टैनग्राम के टुकड़ों का सेट गत्ते, कागज, लकड़ी या किसी अन्य टिकाऊ सामग्री से आसानी से बनाया जा सकता है? तो इस तरह से टैनग्राम पहेली का उपयोग बच्चों की समस्या सुलझाने के कौशल यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, तार्किक सोच के कौशल यानी लॉजिकल थिंकिंग स्किल्स, दृश्य स्थानिक जागरूकता यानी विजुअल स्पेशल अवेयरनेस और रचनात्मकता यानी
क्रिएटिविटी को बढ़ाने के लिए किया जाता है। टुक टुक की बातें सुनकर बनी बोला, अद्भुत टुक टुक, तुम इस ज्ञान के लिए एक पुरस्कार के पात्र हो। जवाब में टुक टुक ने कहा, बहुत बहुत धन्यवाद बनी। तो बच्चों, हमें आशा है कि आप टैनग्राम के बारे में अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अब आप अपने परिवार और दोस्तों के साथ टैनग्राम से एक नया आकार या चित्र बनाने का भी प्रयास कर सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलते हैं।